आजमगढ़ जनपद के बार एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को काला दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों व मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 22 सितंबर को प्रयागराज में सभी जनपद के बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया था कि सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की लगातार उपेक्षा को देखते हुए 25 सितंबर को काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। मैं मुमताजुज्जमान एडवोकेट कलेक्ट्रेट आजमगढ़। आज किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन? सर, ऐसा है कि हमारे ऊपर तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं, जबकि हम आज़ाद पंछी हैं। हम इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, इसका गवर्नमेंट से कोई, हमारे गवर्नमेंट का कोई सहयोग हमको नहीं मिलता। हम टीम के नीचे बैठते हैं कि हम खुले आसमान में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, सरकार ने कभी इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया ना। हमारी जो योजनाएं हैं, हम कहते हैं हमको भी बीमारी का जो 10 लाख रुपये कम से कम आप दें, हमको वो नहीं देते। ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई साथी अगर हो जाए, मर जाए, तो उसके कंडोलेंस आप 3:30 बजे करें। ये बात तो मैं समझता हूँ, ना ज़मीन में ना आसमान में हम लोग उन लोगों में से नहीं है। हम अगर इस पेशे को करते हैं तो सम्मान के साथ करते हैं। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ दूर दूर तक हम और हमारे साथी दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम अगर जुडिशरी का सम्मान करते हैं, जो जुडिशरी की मॉरल ड्यूटी बनती है, वो हमारा सम्मान करे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।